के निपटाने के लिए तीन मध्यस्थता नियुक्त किए थे। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एफएम कलीफुल्ला के अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू शामिल थे। शीर्ष अदालत में पैनल ने मध्यस्थता के लिए ज्यादा समय की मांग की थी। कोर्ट ने पैनल की मांग स्वीकार कर ली है और उन्हें करीब तीन महीने का वक्त दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए अब्दुल नाजिर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वो पैनल को और समय देने का फैसला करते हैं। कोर्ट ने इससे पहले मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने की पहल की थी। तो आपको बता दें कि अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल को 15 अगस्त तक का वक्त दिया है और अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला आता है, पूरा मामला आता है राम जन्मभूमि को लेकर। तो अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। मिर्जापुर देश के सबसे व्यस्त रूट वाला जगह है, जहां पे दिल्ली हावड़ा पर उस समय अफरा तफरी मच गया जब गुवाहाटी से चलकर आनंद विहार दिल्ली जाने वाली 12505 अप नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जनरेटर रूम में अचानक आग लग गई। जनरेटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में लगी आग को देखते हुए ट्रेन को कैलहट स्टेशन के पहले रोक दिया गया। आग लगने की जानकारी ट्रेन के चालक ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। तब तक जनरेटर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हावड़ा दिल्ली अप लाइन पर यातायात घंटों प्रभावित रहा। इंजन का जनरेटर रूम घंटों धू धू कर जलता रहा। ड्राइवर के सूझबूझ से बड़ा हादसा होते हुए बचा। ग्रामीणों की मदद से पहले बोगी अलग किया गया, इसके बाद इंजन को अलग करके आग पर काबू पाया गया। तो आपको बता दें कि ड्राइवर के सिर्फ समझदारी से एक बड़ा हादसा होने से बच गया और जिसमें किसी भी तरीके के किसी यात्री के घायल होने की कोई खबर नहीं। आपको बता दें कि गुवाहाटी से चलकर आनंद विहार के लिए चल रही थी गाड़ी और इसी बीच में और जनरेटर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, लेकिन ड्राइवर के सूझबूझ से और स्थानीय मदद से ट्रेन के डब्बे को बोगी को अलग किया गया और वहां पे दमकल कर्मी पहुंच गए और उसे बुझाने में कामयाब रहे। लेकिन बुझाने से पहले आपको बता दें कि राख हो चुका था, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर के सूझबूझ से उसने कंट्रोल रूम को तुरंत इन्फॉर्मेशन दिया और आनंद फानंद में वहाँ पे आग पे काबू पाया गया। और जो इसमें सबसे सकारात्मक बात रही कि किसी भी तरीके का किसी कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। तो टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कितना आग ये भयानक था और अगर सही वक्त पे आप ड्राइवर अपने सूझबूझ से अगर इसे अलग नहीं कर पाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर के सूझबूझ और स्थानीय लोगों की मदद से मुमकिन हो पाया कि ट्रेन से बोगी को अलग कर दिया गया और उसे उस आग पे काबू पाया गया। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस उसके जनरेटर यान में आग लग गई है कैलर स्टेशन से पास में। ये तो जनरेटर रूम है, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, अभी कन्फर्म नहीं है, इंक्वायरी के बाद मालूम चले। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां हालिया थाना क्षेत्र के पास ड्रमगंज में घाटी में महाराष्ट्र के अमरावती से वाराणसी सारनाथ बोधगया दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, जिसमें सवार दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यात्रियों के अनुसार बस में कुल 28 लोग सवार थे। हादसा बस का ब्रेक फेल होने से हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने घायल यात्रियों को हालिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से 14 यात्रियों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार घायलों में तीन की हालत गंभीर है, जिनका इलाज किया जा रहा है।
और फिलहाल यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। हर खबर का मतलब ब्रेक, आवाज तो सब उठाते हैं लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ग्रहों की चाल से रहें सावधान, यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र, राशि फल में देखिए ग्रह चाल, सिर्फ नेशन लाइफ पर। ये तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। आप देख रहे हैं नेशन लाइफ, हर पल आपके साथ। Combat Sport Shoes brings out the best in you. आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। ये तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। पहाड़ों की पीड़ा, मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर रोज छोटी बड़ी खबर। जिससे हो आपका सरोकार, हर खबर हर पल केवल नेशन लाइव पर। Combat Sports Shoes brings out the best in you. ये तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की। आध्यात्म से मिलेगा ज्ञान, देखिए आध्यात्म दर्शन नेशन लाइव पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, ये बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बरेली जिले की फरीदपुर तहसील का है, जहां पर वीरपुर गांव के रहने वाले किसान रमेश कुमार से गेहूं क्रय केंद्र फरीदपुर में सौदेबाजी की जा रही थी। उसका गेहूं खरीदा नहीं जा रहा था, उससे कहा जा रहा था कि वो गेहूं को 1730 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दे, जबकि सरकार ने गेहूं समर्थन मूल्य 1840 रुपये तय किया है। रमेश जब ज़्यादा परेशान हो गया तो उसने इसकी शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन वहां से भी दो दिन के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद रमेश ने बरेली डीएम, एसडीएम और कमिश्नर को फ़ोन किया, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मजबूर होकर रमेश ने माफियाओं के काले कारनामों की वीडियो बना ली। तो गेहूं क्रय केंद्र
फरीदपुर में सौदेबाजी का मामला सामने आया है और जो सरकार ने जो एक कीमत रखी है उसमें ना देके वहाँ पे मजबूर किया जा रहा है कि जो किसान है उनसे कम रेट में वहाँ पे खरीद फरोख किया का मामला पूरा सामने आया है उत्तर प्रदेश के बरेली से। रवेश कुमार धीरपुर, गेहूँ कल से ट्राली 6 बजे से खड़ी हुई है, तोली नहीं रहे हैं, 1730 में मांग रहे हैं। जो लेबी जो है वो क्या नाम है उनका, चोखेला, तो वीडियो हमने को 2-3 वीडियो हमने भी बनाई है, सब हमारे पास वीडियो है। बस गेहूँ 1730 में हमारे पास, और लोगों का भी इन्होंने खरीदा है वो भी वीडियो है, और जो गेहूँ इन्होंने खरीदे हमसे बुरे बुरे कट। इस तरह का मामला भी प्रकाश में आया है, बिसल देवपुर रोड पे एक गोदाम बताया जा रहा है जिसमें इस तरह का वीडियो सामने आने की सूचना मिली है। इस बारे में जानकारी की जा रही है, अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको यहाँ पे केंद्र का कोई कर्मचारी नहीं मिला, बात की गई फोन से, बड़े उन्होंने कहा कि वो दूसरे सेक्टर में भी हैं और समय मिलेगा तो। तो केंद्र आप यहाँ पे बैठे हैं, रखा रहे हैं, कोई यहाँ पे कर्मचारी कोई चौकीदार भी नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है, जब तक कोई नहीं आया तब तक हम लोग इसकी देखभाल करेंगे। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के ग्रामीण थाना मोहनलालगंज इलाके में खेत में सो रहे एक बुजुर्ग किसान की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग किसान की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या करने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहनलालगंज के दीवानगंज की है। रोज की तरह 68 वर्षीय बुजुर्ग किसान अपने घर से दूर खेत पर सोने के लिए गए थे। सुबह ग्रामीण जब खेत की ओर नित्यक्रिया के लिए गए थे तभी खून से लथपथ बुजुर्ग का शव चारपाई पर पड़े हुए देखा गया। देखते ही देखते बुजुर्ग की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई और लोगों का मजमा लगना शुरू हो गया। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर एसपी ग्रामीण, सीओ और कोतवाल मोहनलालगंज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों ने किसी से रंजिश होने की बात से फिलहाल इनकार किया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ का ये पूरा मामला है जहाँ पे एक 68 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है और इसमें शुरुआती तफ्तीश में जो पुलिस का शक है वो उसके बुजुर्ग के छोटे बेटे के ऊपर में है, जिसे फिलहाल कस्टडी में ले लिया गया है और उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार हत्या क्यों की गई। तो ये एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, इलाके में हड़कंप मच गया कि आखिरकार इस तरीके की घटना कैसे अंजाम दिया गया है और कहीं ना कहीं अपराधी के अंदर में शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। तो आला अधिकारियों का साफ तौर पे कहना कि प्रथम दृष्टि में बुजुर्ग के छोटे बेटे पे शक हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके कस्टडी में ले लिया गया और उसे लगातार इंट्रोगेट किया जा रहा है कि चीज़ें निकल के सामने आए कि आखिरकार उसकी मृत्यु क्यों हुई और इसे क्यों मारा गया। हमें नहीं मालूम। कैसे जानकारी हुई आपको? हमारी दादी हमारे बाबा के भाई की लड़की औरत सुबह भूसा लेने आई थी, तभी घर गई, सब कुछ बताया। क्या बताया? कि बाबा नहीं रहे। कैसे क्या बता रहे हैं? किसी ने गला काट कर किसी ने मार दिया। देखिए, ये दीवानगंज है, मोहनलालगंज थाने के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे 68 वर्षीय प्यारे लाल हैं, उनकी हत्या विगत रात्रि को हुई है। सुबह पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस की टीम यहाँ पे आ गई है और मौके पे बॉडी को सील करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें एक संदिग्ध जो इनका बेटा ही है उसको हम लोगों ने अभी कस्टडी में लिया है और उससे आगे की पूछताछ कर रहे हैं, जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेजी थी कि बाइक सवार युवक और मासूम बच्ची सहित पीछे बैठी महिला उछल कर दूर जा गिरी, जहां मासूम बच्ची और बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और अंधेरे का फायदा उठाते हुए गाड़ी वाला फरार हो गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। आनंद फानंद में तीनों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सबसे पहले यहाँ एक युवती करीब 40 साल की महिला आई थी और एक 8 साल की बच्ची आई थी। उसमें से जो बच्ची थी 8 साल की, वो मृत अवस्था में उसको अस्पताल लाया गया था और महिला का प्राथमिक उपचार के दौरान ही महिला की भी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात एक युवक करीब 25-26 साल का युवक, उसको भी मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। तो इस एक्सीडेंट में टोटल 3 लोग आए हैं, तीनों की ही जो है मृत्यु हो चुकी है। क्या घटना हुई है? घटना का हमारी बहन जय जमुनिया मिठौली है, मिठौली से आ रहे हैं। तो यहाँ बंडा, यहाँ बंडा रोड पे एक तो पैलेस है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होगा तो हमारा भाई जिनकी मौत हो गई। किस समय की घटना हुई है? या कम से कम तो ऐसी हुई है 7 बजे। अब क्या जानकारी प्राप्त हुई? जब हमें जानकारी मिली तब इन्हें हम लोग आए। क्या देखा आपने? हम लोगों ने देखा खत्म हुई। खबर उत्तराखंड के बद्रीनाथ से है, जहां सुबह 4:15 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भू बैकुंठ धाम बद्रीपुर में विराजमान भगवान बद्रीनारायण के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। अब भक्त यहां से 6 महीने के लिए नारायण का दर्शन करेंगे। इस दौरान देश विदेशों से आए हजारों तीर्थयात्री नारायण भक्त इस शुभ घड़ी के साक्षी बने। वहीं सूबे की राज्यपाल ने भी बद्रीनाथ के दर्शन किए। अब तक करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने भगवान श्री हरि नारायण के प्रथम दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया है। बद्रीपुरी में सुहावने मौसम के बीच नारायण भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। तो आपको बता दें कि 6 महीने के लिए श्री बद्रीनाथ का कपाट खोल दिया गया है और यहाँ पे लोग और तकरीबन अभी तक 15,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साथ में उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी दर्शन किया है। तो श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और 6 महीने तक नारायण की पूजा करेंगे। खबर असम के नलबारी से, जहां नलबारी जिले के पास धर्मपुर समस्ती के एक पंचायत कार्यालय हर रोज बंद रहता है। कभी कभी 10 बजे से कार्यालय खुलता है और 11 बजे बंद रह जाता है। इस पंचायत का नाम दक्षिण पकोवा ग्रामीण पंचायत है। पंचायत का सभापति धनबार अली है। तो वहीं पंचायत बंद रहने से जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि कुछ काम नहीं हो पा रहा है। जनता का कहना है कि पंचायत में जो पैसे जनता के लिए आते हैं, सभापति और कार्यालय के लोग इस पैसे को हड़प कर जाते हैं। साथ ही जनता ने पंचायत के खिलाफ सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। अलीगढ़ में पीएचडी एडमिशन के लिए वीसी ऑफिस के बाहर बैठे छात्रों ने आज पीएम पकोड़ा योजना के तहत पकोड़ा बनाकर बेचा। दरअसल पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे थे। छात्रों का कहना है कि जब हमारे भविष्य के लिए कुछ नहीं है तो हम पकोड़ा ही बेचेंगे। यहां एडमिशन की मांग करने के लिए 24 दिन से धरने पर बैठे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पकोड़ा बेचना भी एक रोजगार है, इसलिए हम ये रोजगार कर रहे हैं। हम इसे 120 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं पीएचडी छात्र पकोड़ा बना रहे हैं और 120 रुपए किलो बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां हत्याओं का सिलसिला जारी है। दरअसल 5 दिनों में लगातार 4 हत्याओं के से अमरोहा दहल उठा है। बता दें कि सदर कोतवाली इलाके के शास्त्री नगर मोहल्ले की घटना है, जहां दिन दहाड़े हथियार से गला रेत कर युवती की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 5 दिन बाद युवती की शादी होनी थी,
जानकारी के मुताबिक 10 दिन पहले ही पिता और बेटी किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे। हालांकि हत्या के बाद से पिता फरार है। शव के पास से शराब की बोतल और हथियार बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा का मामला है, जहां पे 5 दिन में लगातार 4 हत्या का मामला सामने आया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अपराधी के अंदर में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं प्रशासन का, शासन का। और लगातार जिस तरीके से अमरोहा में यह चौथा हत्या है, तो एक चीज़ ये साबित हो रहा है कि अपराधी के अंदर में खौफ नहीं कानून का, और यही कारण है कि लगातार वारदात होते जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा का घटना, जहां पे लगातार हत्या का मामला सामने आ रहा है, और एक तरीके से कह सकते कि शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं अपराधी में। थाना क्षेत्र में चौकी पड़ती है वासुदेव, उस क्षेत्र में एक लड़की लगभग जिसकी उम्र 20 साल की होगी, कुछ ही दिन पहले अपने, कहा जाता है कि पिता के साथ किराए के मकान पे आई थी, 8-10 दिन पहले आई थी, उसकी रात में हत्या हो गई थी। इसकी शादी भी होने वाली थी, जो होने वाला पति था उसके द्वारा बताया गया कि रात में कुछ झगड़ा हुआ था टेलीफोन पर, उनकी जो मोबाइल पर बात हुई थी, उसके बाद उनका जो जिनके साथ वो रहती थी गार्जियन, वो गायब है। आशंका यही व्यक्त की जा रही है, पहली प्रथम दृष्टया ये लग रही है कि संभवतः जो उनके गार्जियन थे उन्हीं के द्वारा ये हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के राजकीय मिनी स्टेडियम में परिवहन विभाग के जरिए स्कूलों की बसों का निरीक्षण किया गया, जिसमें वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अश्वनी कुमार राजपूत ने 209 स्कूली बसों की जांच की। बस चालकों के RC, रूट परमिट, फिटनेस, बीमा, टैक्स ड्राइवर लाइसेंस आदि की चेकिंग की गई, जिसमें 41 बसें बिना नियमों की पाई गई है। वाहन चालकों को वाहन के कर्मियों को पूरा करने की हिदायत दी गई है। साथ ही डॉक्टर PK सरस्वत के जरिए 157 बस चालकों के नेत्रों की भी परीक्षण किया गया है और 22 चालकों की दृष्टि में कमी पाई गई है, जिसके लिए उन्हें चश्मा लगाने की सलाह दी गई। इसके साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। हाइलाकांदी में दो गुटों की मुठभेड़ में हुई, दो गुटों के बीच पथराव किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया है। लोगों का कहना है कि इससे पहले दो गुटों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर मामला बढ़ गया। बताया जा रहा है कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर असम से, जहां दहेज की कुप्रथा के खिलाफ देश में जितने ही कानून लागू हो रहे हैं, उतनी दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। असम के नौगांव के बोंगाई गांव में लड़की वाले ने मई को सगाई किया था, 5 लाख मांगा था, जिसमें लकड़ी 1,23,000 रुपये दे पाए थे। लड़के वाले लड़की वाले पर दबाव बनाने लगे, जिसके बाद लड़की वाले प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे थे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल लाइव। नमस्कार।